Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. And आज हम करेंगे another set of multiple choice questions for functions in Python. Yes, that's your first major topic. जब आप 12th के लिए prepare कर रहे हैं computer science के लिए, इससे पहले आपको जो questions करने हैं वो revision tour पे based हैं. मतलब जो भी आपने 11th में करा था Python में, वो सारा उसमें होगा. एंड यहाँ पर जो हम करेंगे दैट इज फंक्शंस चैप्टर से शुरू. इसके बाद मैं आपको फाइल हैंडलिंग भी प्रोवाइड करूंगी एंड दैट इज इट. वहीं तक हमारे पास टर्म वन में आ रहा है. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हों अपने टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर. सो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. एज यू नो कि जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, जो कि हम अगस्त मंथ के एंड तक खत्म कर देंगे, सो वी विल बी फिनिशिंग द सिलेबस बाय द मंथ एंड. और उसके बाद आपके हर वीडियो में आपको 10 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, बट अभी वी आर गोइंग टू डू ओनली 5 एमसीक्यूज पर वीडियो. सो हियर यू कैन सी इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आपको क्या करना है, आप इससे सॉल्व करेंगे, कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे. इफ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, लाइक यू नीड मोर टाइम टू सॉल्व इट, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर लिखिए कमेंट में एंड देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 5 में से कितने नंबर आए. राइट, सो हेयर इज योर क्वेश्चन ओवर हियर. अगर आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, यू आर नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है मेरी अनअकैडमी फ्री क्लास का, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद प्रैक्टिकल्स कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. एंड वी हैव डन अ नंबर ऑफ पोल्स ऑन दैट एज वेल. तो आप वो क्लास देख सकते हैं, आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ दैट इज ऑफ अ क्लास विच हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो आप उसको देख सकते हैं और एक फ्राइडे को होगी, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप फ्राइडे को मुझे वहाँ पे लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं. राइट, बट अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 90 100 100. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. हाउ, यहाँ पर ए 90 है, ठीक है, तो प्रिंट ए जब करेंगे तो 90 प्रिंट होगा, परफेक्ट. टेस्ट कॉल हो गया, टेस्ट कॉल हुआ तो कंट्रोल आया इधर. ग्लोबल ए कहता है कि नया ए नहीं बनना चाहिए, दिस ए इज द सेम ए विच इज टेकन आउटसाइड. तो जो बाहर हमने ए बनाया हुआ है, सो ग्लोबल मतलब जो किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता, सो ये ग्लोबल ए को ही यूज करेगा, ये उसी 90 को ऐड करके 100 बना देगा, और जब हम प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट होगा, और उसके बाद जब फिर से प्रिंट करेंगे तो 90 प्रिंट होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 90 100 90. सो 90 नहीं आएगा ये, अगर ये ग्लोबल ना होता तो 90 आता. सो यहाँ पर 100 आएगा क्योंकि आपका ए चेंज हो चुका है. सो इट इज यूजिंग द सेम ग्लोबल को वो यूज कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 90 100 100. ठीक है, आप इन सबको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन. इसका आंसर क्या होगा, वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस वन. सो इसका हमारे पास आंसर आएगा ये 90 20 90. हाउ, ए इज 90, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ए है 90 आया, 90 प्रिंट हो गया, टेस्ट कॉल हुआ, इधर आ गया. अब जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल में असाइन करते हो तो इट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल. ऑल्दो उस नाम का ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास है, पर वो अगर सेम नाम यूज होता है तो वो उसको लोकल बना देगा, और प्रेफरेंस हमेशा लोकल को दी जाएगी. तो जब यहाँ ए प्रिंट होगा तो वो 20 प्रिंट करेगा, पर जब हम वापस आ जाएंगे तो ये जो ए है ये अब अलग है, और यहाँ पे जो ए बना है वो अलग है. सो बोथ एज आर डिफरेंट. तो ये जो ए है वो ये ग्लोबल वाला था, इसलिए वो फिर से जो प्रिंट करेगा दैट विल बी 90. सो 90 20 90. पिछले वाले में क्या था, चेंज हो गया था वही, इसीलिए 90 100 100 आया था, मॉडिफाई हो गया था. यहाँ मॉडिफाई नहीं हुआ क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड नहीं है, दैट्स वाई इट्स 90 20 90. इसका आंसर देंगे. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. एज वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ग्लोबल है, मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए. तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ग्लोबल वेरिएबल एक्स बनेगा, दूसरी लाइन ये होगी, तो यहाँ से कॉल होके हम इधर आएंगे, यहाँ पर बता दिया कि जी एक्स जो है वो ग्लोबल है, प्रिंट एक्स किया तो 50 प्रिंट हो गया क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू 50 थी. एक्स में जब 2 पुट किया तो वो इसी को चेंज कर देगा और प्रिंट एक्स से 2 प्रिंट हो जाएगा. वापस खत्म होके इधर आएंगे, यहाँ एक्स को प्रिंट करेगा तो एक्स
चेंज हो चुका है, इट हैज बिकम 2, तो इसलिए वो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा. सो इट हैज टू बी 52 2, राइट? ओके, सिमिलर है, सिर्फ एक चीज हट गई इसमें से, ग्लोबल वाली लाइन हट गई. तो बताओ क्या होगा, ग्लोबल वाली लाइन हट गई तो क्या होना चाहिए? सो आई होप यू हैव रिटन द आंसर. सो इसका जो आंसर है वो है एरर. यस, अगर आप इसको रन करके देखोगे तो 5250 नहीं आएगा, यहां पर आएगा एरर. क्यों आएगा एरर? क्योंकि जब हम असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में बिना ग्लोबल लिखे, तो वो अपना एक लोकल वेरिएबल बना लेता है. अब यहाँ पे बन रहा है लोकल, तो इस जगह पे जब वो x को प्रिंट कर रहा है तो x में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर आएगा कि ये जो x है ये इस लाइन पे तो डिफाइंड है ही नहीं. यहाँ हमें पता ही नहीं है कि x के अंदर क्या है. सो वी डोंट नो वॉट इज देयर इन x, क्योंकि असाइनमेंट होने की वजह से वो इसमें लोकल माना जाएगा, तो वो ग्लोबल वाले को इस्तेमाल नहीं करेगा. ठीक है, सो वो ग्लोबल वाले को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये x इस टाइम पे डिफाइंड ही नहीं है. दैट्स व्हाई यू गेट एन एरर ऑफ अनडिफाइंड x. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? सो आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल कॉल हो रही है. 7 और 3 एरिया में कॉल होगा तो 7 × 3 = 21 रिटर्न होगा, ए में आ जाएगा. फिर यहाँ से पैरामीटर कैलकुलेट होगा जो कि 20 है, वो पी में आ जाएगा. और फिर हमने उन दोनों को प्रिंट करा दिया, सो 21 and 20 गेट्स प्रिंटेड. सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आउटपुट्स. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में. इसके अलावा केस स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम. तो उसके लिए आपको क्या करना है, बी अटेंटिव. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, और आप मुझे फॉलो करेंगे अनअकैडमी पे. अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरी प्रोफाइल का. आप वहाँ से जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, ये तो आपको रिकॉर्डेड मिल रही है. एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, यू गेट लाइव क्लासेस. यस, 3:30 से 4:30 एक घंटे की लाइव क्लास होती है. ठीक है, सो आज की क्लास जो हो चुकी है, जिसमें हमने फंक्शंस के ऊपर काफ़ी सारे पोल्स किए थे, और इससे पहले भी एक क्लास फंक्शंस के ऊपर हो चुकी है, मैं इन दोनों का लिंक आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और जो फ्राइडे को होने वाली है उसका लिंक भी दे रही हूँ. तो ये दोनों आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं. एक एक घंटे की क्लास है जहाँ पे कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है एज वेल एज पोल्स भी हैं. ठीक है, और ये क्लास आप मेरे साथ लाइव अटेंड कर सकते हैं फ्राइडे को. एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है. बस आप जब क्लास को देखने के लिए आएंगे तो आपसे वो एक कोड पूछेगा जब आप फर्स्ट टाइम आओगे. सो एज अ फर्स्ट टाइम यूजर आपसे कोड पूछा जा सकता है कि एंटर अ कोड, तो आप एंटर करेंगे AL कोडर्स. सो AL कोडर्स मतलब अंजलि लूथरा कोडर्स. तो यस, यू आर अंजलि लूथरा कोडर्स, और आप कोड एंटर करेंगे ताकि आप इस फ्री क्लास को देख सकें. ठीक है, पे कुछ नहीं करना है आपको, टोटली फ्री है. अगर आपको कभी आगे जाके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. बेस्ट एजुकेटर्स आर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स ओवर देयर एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, और उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा ये सेम कोड यूज करेंगे. राइट, सो आई विल सी यू इन द क्लासेस. सो एज यू कैन सी, जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाते हो तो यहाँ स्पेशल क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस आती हैं. जैसे ये आज हमने किया था, ये अभी भी लाइव दिखा रहा है बिकॉज मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया. सो पोल्स ऑन पैरामीटर्स एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. सो जो क्लास हो भी चुकी है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा. आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, सो द क्लास विल स्टार्ट. ठीक है, सो आप यहाँ से, जस्ट लेट मी म्यूट इट फर्स्ट. या सो ये क्लास है. ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पोल्स आएंगे, मैं यहाँ पे आपके साथ लाइव होती हूँ, आप मेरे साथ कमेंट्स में बात कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स. सो इट इज़ अ वेरी नाइस इंटरफेस. आप देखेंगे पोल्स में यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शंस आती हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ABCD. ठीक है, जो भी आपको आंसर लगता है कि सही है, आप उस पर क्लिक करेंगे. अब जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इसका आंसर मुझे लगता है बी है, तो मैंने बी पे क्लिक किया तो वो मुझे बता देगा कि आंसर सही है या नहीं. सो दिस आंसर इज करेक्ट. सो ऐसे दिखा रहा है. ठीक है, और आपके पास फिर एक लीडर बोर्ड आता है. ये तो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, पर जब आप लाइव अटेंड करेंगे तो जितने भी लोग लाइव हैं उनकी प्रॉपर कॉम्पिटिशन चलता है. वी गेट अ लीडर बोर्ड टू सी कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है. तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इंट्रैक्टिव
सेशंस होते हैं एंड दिस इज अवेलेबल टू यू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड एंड ज्वाइन माई क्लासेस. तो आपको जो दो हो चुकी हैं फंक्शंस पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और जो फ्राइडे को होने वाली है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है. सो एनरोल इट एंड यहाँ तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. आई सी यू लाइव ऑन अकेडमी एज वेल. सो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.